सभोपदेशक अध्याय चार। सभोपदेशक अध्याय चार। तब मैंने फिरकर वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं, और अंधेर करने वालों के तो शक्ति है परंतु उनको भी कोई शांति देने वाला नहीं। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों से जो अब तक जीवित है अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक सुभागी वह है जो अब तक पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने ये बुरे काम नहीं देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा कि इसके कारण लोग अपने पड़ोसी से जलते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कूढ़न है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन दो मुट्ठियों से अच्छी है जिनके साथ परिश्रम और मन का कूढ़न है। तब मैंने फिरकर धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी। कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता और न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है। वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुखरहित रखता हूं, यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है, और कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। और जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी तही टूटती है। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से जो फिर उपदेश ग्रहण न करे कहीं उत्तम है, क्योंकि वह तो उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ और वह बंदीगृह से निकलकर राजा हुआ। मैंने सब जीवितों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। अनगिनत थे वे सब लोग जिन पर वह प्रधान हुआ, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निसंदेह यह भी व्यर्थ और मन का कूढ़न है।